हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो शो में दिखाया जाएगा कि अकीर के स्कूल में ही म्यूज़िक टीचर का जॉब मिलने वाला है हमारी गुड़नूर को, और यहीं पर अकीर देखने वाला है साहिबा को पहली बार और उसे देखकर देखता ही रह जाएगा। यानी कि गुड़नूर जो बिल्कुल साहिबा जैसी नज़र आती है, हूबहू साहिबा लगती है, उसे देखने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता हुआ नज़र आएगा अकीर। अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अंगद गुड़नूर का हाथ पकड़ कर यहाँ पर सोच रहा होगा कि आखिर इसको मैं कैसे मान लूँ कि ये साहिबा नहीं है। तो वहीं साहिबा को समझ कर के अकीर गुड़नूर से इतना ज़्यादा ओवर फ्रेंडली होता हुआ नज़र आएगा कि अंगद को भी एक पर्सन के लिए हैरानगी हो जाएगी कि अकीर के साथ जो लड़की है वो गुड़नूर नहीं, साहिबा है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि अंगद अकीर के स्कूल आएगा, जहाँ पर प्रिंसिपल उससे ये वजह पूछेंगे कि आप अपने बेटे को हमारे स्कूल से क्यों निकालने की मन बना रहे हैं। तो इतने में अकीर लेकर के आएगा गुड़नूर को प्रिंसिपल ऑफिस, जहाँ पर अंगद गुड़नूर को पहली झलक में देखकर देखता रह जाएगा। अंगद इतना ज़्यादा शौक होगा कि जैसे मानो जिंदा साहिबा उसके सामने आई है। अकीर गुड़नूर का हाथ पकड़ कर उसे अपनी बातों में उलझाएगा और अंगद से बातचीत करने नहीं देगा। तभी गुड़नूर यहाँ पर देखेगी कि अंगद पीछे पीछे चल रहा है, अकीर पुत्तर मेरी बात तो सुन बोल रहा है। तभी गुड़नूर कहने वाली है कि मिस्टर छोटे सिंह, आप ज़रा रुकिए, आपके पापा से तो मेरे इंट्रोडक्शन करवाइए। हेलो सर, मैं हूँ गुड़नूर, अकीर की नई म्यूज़िक टीचर, और आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको कैसे जानती हूँ, आपका नाम कैसे जानती हूँ। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि दरअसल आप तो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, इसलिए आपको कौन नहीं जानता। गुड़नूर यहाँ पर अपने आप को अंगद से इंट्रोड्यूस करवाएगी और अंगद गुड़नूर को देख कर होश उड़ा बैठेगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि अकीर की जो दोस्ती गुड़नूर से बढ़ रही है, क्या वो रंग लाएगी, क्या अकीर और गुड़नूर के रिश्ते के बीच कुछ हो पाएगा, क्या लगता है कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।